कल के मैच पे भी कुछ एक इंसिडेंट पेश आया नवीन उलहक के साथ। मोहम्मद आमिर को हम यूजुअली बड़ा फ्रेंडली अंदाज में देखते हैं, ऐसा कल क्या हुआ कि मोहम्मद आमिर भड़क गए? नहीं, वो बस यंगस्टर है, सीख जाएगा। और ये क्रिकेट में होता है, जब मैं भी नया आया था तो मुझे भी बड़ी आदत थी यार बैट्समैन के साथ पंगे करने की, और वो यंगस्टर है, सीख जाएगा। लेकिन ये क्रिकेट है, हीट ऑफ द मोमेंट हो जाता है, इसमें कोई पर्सनल होता नहीं है टू बी ऑनेस्ट। और मैं तो हमेशा, अभी अगर आप मुझे देखें तो मैं अक्सर बहुत फ्रेंडली रहता हूँ, इवन बैट्समैन के साथ मैं इतना वो स्लेजिंग वगैरह नहीं करता, अपनी बॉलिंग पे फोकस करें। आपने जो एग्रेशन निकालना है वो आप आउट करें, उसके बाद एग्रेशन दिखाते रहें, बिला वजह का एग्रेशन निकालने का कोई फायदा नहीं। वो आपकी एज अ बॉलर एनर्जी वेस्ट होती है, वो एनर्जी आप अच्छा कि आप बॉलिंग पे फोकस करके लगाएं और बैट्समैन को आउट करने पे लगा दें। नहीं तो उन्होंने जो वो एनर्जी लगाई उसके बाद सामने से तो उनको छक्का पड़ गया, तो उस वक्त आपकी क्या फीलिंग्स थी जो वो तो बड़ा ही प्यारा मैं इसीलिए कह रहा हूँ जो मेरे पे एनर्जी लगा रहे थे वो सोचते कि मैंने आउट कैसे करना, तो वो बेहतर होता ना। अच्छा, हमने यूजुअली देखा जब ये हीट ऑफ द मोमेंट में हो भी जाता है, प्लेयर्स यू नो मैच के एंड में आके हाथ मिला लेते हैं या सॉर्ट आउट कर लेते हैं, उसके बावजूद हम देख रहे थे कि वहां से यू नो वो रुक नहीं रहे थे। नहीं तो आपने उनको जाके बाद में समझाया नहीं भाई क्या कर रहे हैं आप? वो हीट ऑफ द मोमेंट था, और उस टाइम हर बंदा, क्योंकि मैच की सिनेरियो भी ऐसा था, मैं भी क्योंकि मैच हारे हुए थे, मैं भी थोड़ा मेंटली गर्म हुआ हुआ था, लेकिन वो जी कीप जो है ना, वो ही वाज ट्राइंग टू, मतलब वो आर्ग्यू करना चाह रहा था। तो अब उस दौरान आपको पता है क्रिकेट के रूल्स भी ऐसे, हमें जो है वो कुछ चीजें इजाजत नहीं देती कि हम ऐसी चीजें करें, और हमें करना भी नहीं चाहिए, वैसे होना नहीं चाहिए, टू बी ऑनेस्ट ये चीजें नहीं होनी चाहिए, ये क्रिकेट के में अच्छी नहीं लगती, देखने वालों को भी अच्छी नहीं लगती। लेकिन हीट ऑफ द मोमेंट, आपको पता है कि इंसान है, इंसान गलती का पुतला, जो एक टेम्पो बना होता है, जो हार्ट रेट होती है वो भी 170 प्लस 200 पे गई होती है, तो उस टाइम समझ नहीं आती। लेकिन ये है कि मुझे यही है कि इस चीज को कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन ये यंगस्टर्स हैं, एट द टाइम बंदा सीखता है, जैसे जैसे टाइम गुजरता है आपको क्रिकेट का एक्सपीरियंस आता है तो आप सीखते हो इन चीजों को। चलो उम्मीद यही करते हैं, हमने जो स्पेशली आपकी तरफ से देखा और आपने जो अपनी एनर्जी पर उस छक्के में लगाई, वो एज अ फैन, एज अ क्रिकेट वॉचर, आई थिंक हम सब ने बड़ा एंजॉय किया उस मोमेंट को। शायद अफरीदी भी इन्वॉल्व हो गए थे, उनसे कोई बाद में बात नहीं कि ऐसा क्या हो गया था, अफरीदी को भी गुस्सा आ गया था? वो शायद भाई बस उसको यही समझा रहे थे कि मतलब ये एथिक्स नहीं होते अपने सीनियर के साथ ऐसी हरकतें करने की, तो बी अ जेंटलमैन, क्रिकेट है, क्रिकेट में सब कुछ होता है, चौके भी पड़ते हैं, छक्के भी पड़ते हैं, विकेटें भी मिलती हैं।